हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे, एरर प्रोपेगेशन इन पावर। तो इससे पहले हमने जो चार पॉइंट्स किए हैं, एरर प्रोपेगेशन इन एडिशन, एरर प्रोपेगेशन इन सब्ट्रैक्शन, एरर प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर प्रोपेगेशन इन डिवीजन, उन पॉइंट्स को बेटा क्लियर करो। और देखो पावर वाला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 26 एंड 27 से आपका जो ये लेक्चर है ये फॉलो हो रहे हैं, तो वहां पे आप देख सकते हो पांचों पॉइंट्स ये गिवन है, मल्टीप्लीकेशन वाला, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला और डिवीजन वाला, और फिफ्थ पॉइंट है जो पावर वाला, वहीं पे है आपके। तो देखो इसके से पहले आपने क्या किया था, लेट आपने ए और बी मान लिए थे, ए और बी मानने थे, उनकी कुछ पावर्स माननी थी। तो अब यहां पे मैं कोई भी पॉइंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जेड मान लेता हूं, एंड जेड इज इक्वल टू ए इज टू पावर टू है, कोई भी ये मान लिया मैंने, टू है, थ्री है, फोर है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल हम स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल स्मॉल वैल्यू से, टू से। अगर जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर टू है, तो जेड के अंदर अगर एरर की बात करें तो देखो डेल्टा जेड बाई जेड आपका आ चुका है, पिछली चार जो डेरिवेशन हमने किए हैं वहां पर डेल्टा जेड बाई जेड ही निकाल रहे हैं। तो डेल्टा जेड बाई जेड इज द एरर इन जेड, डेल्टा जेड बाई जेड इज द एरर इन जेड, हम कह सकते हैं एरर इन जेड डेल्टा जेड। और जेड आपकी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो आपकी ट्री वैल्यूज है। तो सेम आप कह सकते हो यहां पे अगर पावर टू है तो टू आगे डेरिवेशन की टर्म अभी नहीं बोल रहा हूं, तो आप सिंपल वे से ऐसे लिख सकते हो डेल्टा ए बाई ए एक बार प्लस डेल्टा ए बाय ए दो बार, क्योंकि टू पावर है, पावर टू होने का मतलब टू टाइम्स, पावर तीन होने का मतलब थ्री टाइम्स, तीन होता तो तीन बार लिख देते, चार होता तो चार बार लिख लेते, ठीक है। तो डेल्टा ए बाय ए एक बार, डेल्टा ए बाय ए दूसरी बार, दो बार हो गई, दो पावर है तो दो बार लिख लिया, तीन होती तो तीन बार लिख लेते, पांच होती तो पांच बार लिख लेते, क्लियर हो गई। तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, यहां पे है ना बेटा एक पॉइंट, डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करते हैं हम कई बार फिजिक्स के अंदर, अभी वो डिफरेंशिएशन आपको मैंने बताया नहीं है, तो डिफरेंशिएशन की टर्म से मैं हटके दूसरी साइड से बता रहा हूं, और वो आप अभी याद ये रखोगे कि जितनी भी पावर होती है वो पावर उतनी बार ही निकलेंगी उसकी एरर के साथ रेशियो, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए दो बार है तो दो बार लिख लिया, पांच बार होती तो पांच बार लिख लेते, क्लियर होगी। तो इसका मतलब डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटन एज लाइक दैट, और दिस विल इंप्लाइज डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू टू डेल्टा ए बाई ए। एक रिजल्ट, अगर मैं कोई और फिजिकल क्वांटिटी आपको ये कह दूं, देखो ध्यान से, जेड इज इक्वल टू P raised to power m, Q raised to power n और R raised to power o या s, कह R raised to power s, कोई z है जो वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस तरीके से है। तो अब देखो पावर अगर दो हुई थी तो मल्टीप्लाई में दो आ गया था, जनरल रिजल्ट कर दो। m की P की पावर कितनी है, m, तो P में एरर कितना बन गया, देखो अब डेल्टा जेड बिल्कुल सिंपल भी ऐसे लिख सकते हो आप, डेल्टा जेड P में M टाइम्स करना है डेल्टा P बाई P प्लस N टाइम्स डेल्टा Q बाई Q प्लस S टाइम्स डेल्टा R बाई R। तो बिल्कुल सिंपल एक रिजल्ट के ऊपर आप पहुंच गए हो कि जितनी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर होती है एरर उसके अंदर उतने टाइम्स हो जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो पावर होती है उसके अंदर जो एरर है बेटा वो एरर उतने टाइम्स हो जाता है, और चाहे डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, एरर सारे क्या हो जाते हैं, सम होते हैं, जोड़ हो जाता है उनका, एडिशन हो जाता है। तो ये आप जनरल रिजल्ट, ये आपको एक एग्जाम्पल से बताया है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आप इनके ऊपर जरूर करेंगे बेटा, क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर कम है इनके ऊपर प्रॉब्लम्स, प्रदीप्स को फॉलो करोगे उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिनेश को भी फॉलो कर सकता है, पर मैंने बेटा आपके स्कूल में एनसीईआरटी कंपलसरी बताई है, और प्रदीप्स आप अपने पास रखोगे हेल्प बुक के तौर पे ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको। तो प्रदीप्स के अंदर से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर कुछ मैं देता रहूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे एक दो क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से करवा देता हूं, एनसीईआरटी से पेज नंबर मैं 27 पे जा रहा हूं, आप भी देखो फॉलो करो, ये बुक ले सकते हो आप, मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपको पता हो जाएगा। देखो जैसे अभी हमने पावर वाला केस किया ना, तो पावर वाले केस में यहां पे एक क्वेश्चन गिवन है,
फाइंड द रिलेटिव एरर, मैं लिख नहीं देता हूं ये, फाइंड द रिलेटिव एरर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जेड इज इक्वल टू दे रखा है ये ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाय सी डी रेज टू पावर 3/2 वेयर, मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूं, वेयर परसेंटेज एरर इन ए 1% बी 2% सी 3% और डी में है भाई 4%। तो अब आप ये बताओ जेड के अंदर कितनी परसेंटेज एरर हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड द रिलेटिव एरर जेड में बताना है, ए रेज टू पावर 4 जबकि जेड किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 1/3 सी की पावर 1 कहोगे गिवन नहीं है तो 1 है डी रेज टू पावर 3/2 वेयर द परसेंटेज एरर इन ए 1% बी में 2% सी में 3% और डी में है 4%। ये कह दिया भाई, देखो बिल्कुल सिंपल है। अब इस इक्वेशन को जो मैंने इक्वेशन यहां पे जनरल लिखी थी उसकी तरह कैसे रख सकते हो, डेल्टा जेड बाई जेड 4 कहां पे कर दोगे मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाई ए, क्लियर हो गया, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाई ए, बिल्कुल सेम फॉलो करते चलो आप अपनी टर्म्स को, प्लस सी की पावर 1 है तो डेल्टा सी बाई सी रख दो अकेला, प्लस डी 3/2 है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई डेल्टा डी बाई डी, सभी डिवीजन में है चाहे मल्टीप्लीकाई है सभी जोड़ने हैं, कहीं ये सोचो कि सर इसकी पावर तो -3/2 चली गई माइनस करेंगे ना, एरर में बेटा सारे एडिशन होंगे, ये बात याद रखो एरर में सभी जोड़े ही जाएंगे। अब देखो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 4 इंटू ए के अंदर एरर कितनी परसेंटेज है 1 कर दोगे, प्लस 1/3 डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव इसमें कितना दे रखा है 2, प्लस सी के अंदर कितना है 3, प्लस 3/2 इंटू 4, तो देखो ये हो गया 4 प्लस ये 2/3 बन गया भाई आपका, प्लस ये कितना बना 3 एज इट इज, प्लस ये 2 जा 4 पे 2 और 3 जा 6 बन गई। अब इनको ऐड कर दो, देखो 6 4 10 10 और 3 13 13, ये ऐड करोगे तो बेटा 13 प्लस 2/3 एलसीएम आपका 3 बन जाएगा, 13 3 जा 39 प्लस 2 और दिस विल इंप्लाइज 41/3, तो ये आपका परसेंटेज एरर बन जाएगा या रिलेटिव एरर बन जाएगा इसके अंदर 41/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में यहां तक थी ये डाउट, मैंने इसके अंदर कुछ एडिशन कर दिया, ऐड करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बेटा 41/3 आपका आ जाएगा, क्लियर होगी डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले वाले पॉइंट्स पे कर लेते हैं, एरर प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखो और क्वेश्चन करेंगे हम इन पे। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर दे रखा है ये 210 और इसमें ये क्या रखा है, देर आर टू रजिस्टर्स, ये 2.10 प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, देखो बेटा 2.10 प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं, रजिस्टर दे रखा है R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 दे रखा है इसमें R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजिंग दिस, ये अब आपने सीरीज और पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस निकालना है इस कॉम्बिनेशन में, देखो तो सीरीज और पैरेलल में निकालोगे तो बेटा 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है R1 प्लस R2 डायरेक्ट एड कर देते हैं। तो देखो पहले हम उनकी जो रियल वैल्यू है जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनके अंदर उनको सम करेंगे फिर एरर्स की बात कर लेंगे। तो आप देखो R इज इक्वल टू R1 100 है और R2 है 200, तो 100 प्लस 200 कर दोगे ये तो कितना बन गया 300 ओम,
डन, ये बात हो गई। अब एरर कितना है यानी कि डेल्टा आर कितना बन गया उसके अंदर, डेल्टा आर हो गया 3 और 7 प्लस माइनस 7, तो यानी कि जो रिजल्टेंट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है जो वो कितना बन गया 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये तो किस में आ गया, सीरीज में। अब सीरीज में ही, अब सीरीज में ही अगर परसेंटेज एरर पूछे आपसे या रिलेटिव एरर पूछे, तो रिलेटिव एरर क्या होता बेटा, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा आर बाय आर, क्या होता है डेल्टा आर बाय आर, और परसेंटेज एरर क्या होता है वो होता है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो डेल्टा आर रेजिस्टेंस में एरर कितनी है 7 बाय 300 इंटू 100, तो ये कितना बन गया देखो 700 डिवाइड बाय 300, 320 से 20 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा भाई 2.33%, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। और डेल्टा आर बाय आर आप कर चुके हो 7 बाय 300, तो ये बेटा मैंने परसेंटेज एरर निकाल दिया किसके अंदर, सीरीज के अंदर। एक बार और देख लो, दो रेजिस्टर्स की वैल्यू दे रखी है, दो रेजिस्टर्स की वैल्यू अगर आप सीरीज करते हो तो डायरेक्ट ऐड कर देते हो, 100 प्लस 200 कर दिया 300, तो एक्चुअल वैल्यू आ गई, उसके अंदर एरर कितना आ गया प्लस माइनस 7, 3 और 4 7 जोड़ होता है प्लस माइनस 7। अब आपसे पूछी जाए कि भाई परसेंटेज एरर बताओ, तो यानी कि एरर कितनी है 7 और टोटल कितना रजिस्टर 300, 7 बाय 300 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज एरर कितना आ गया 2.33%, क्लियर हो गई। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है बेटा, दूसरा पोर्शन आप करके दिखाओगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूं, रिजल्टेंट है जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आप करके दिखाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन आप करके दिखाओगे और मेरे पास आंसर इसका भेजोगे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो RP इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये आंसर निकाल के, ये फार्मूला लगा के इस आंसर को निकाल करके आप मेरे पास भेजेंगे बेटा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, परसेंटेज एरर आप इसमें निकाल के भेजेंगे, क्लियर। अब इतना ही करो, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप एनसीईआरटी के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन गिवन है, उन 2-3 क्वेश्चन को बेटा सिलेक्ट करके कि विच क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द एरर टॉपिक, वो टॉपिक आप करके, वो क्वेश्चन करके आप मेरे को सोल्व करके भेजोगे। मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर देखो एनसीईआरटी बुक के अंदर मैं बता देता हूं आपने कौन से क्वेश्चन सोल्व करके मेरे पास भेजने हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 2.11 और 2.13, केवल दो क्वेश्चन है, 2.11 और 2.13 क्वेश्चन है, जो 2.13 13th और 11th प्रॉब्लम, ये बेटा आप सोल्व करके मेरे पास भेजोगे कंप्लीट। तो एरर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।